साथियों, भारत में कई महानीतिज्ञ हुए हैं जिनमें एक नाम विदुर का आता है, जो कि महाभारत काल के दौरान धृतराष्ट्र के सौतेले भाई और एक दासी के पुत्र थे, जिन्होंने जीवन के लिए कुछ अपने विनीतियां दी थी जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अंधकार में जाने से रोक सकता है, जिसमें पहला है क्रोध। विदुर बताते हैं कि क्रोध करने से किसी और का नहीं बल्कि हमारा ही नुकसान होता है। और दूसरा है ईर्ष्या। साथियों, ईर्ष्या हमें तब होता है जब हमसे कोई आगे बढ़ने लगता है। इसका मतलब कि यदि कोई और आगे बढ़ रहा है और उस टाइम पे हमें जलन हो रहा है तो ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इस पे विदुर ये बताते हैं कि उस आदमी से जलने के बजाय हमें उससे कॉम्पिटिशन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम कॉम्पिटिशन करते हैं तो हो सकता है कि या तो हम उससे आगे निकल जाएं या फिर उसके करीब ही पहुंच सके लेकिन उसके आसपास ही रहेंगे। तीसरा है विश्वास करना। वैसे तो विश्वास करना कोई गलत बात नहीं है किसी पे भी, लेकिन यदि आप उस व्यक्ति पे भी विश्वास कर रहे हैं जो विश्वास के बिल्कुल ही लायक नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इस पे विदुर ये बताते हैं कि जो व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं है उसका तो हमें बिल्कुल ही विश्वास नहीं करना चाहिए, और यदि जो व्यक्ति विश्वास के कुछ लायक भी है उस पे भी यदि हम पूरी तरीके से विश्वास करते हैं तो वहां भी वो हमारे लिए बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे जो होता है हमारे मन में फियर उत्पन्न होता है, यानी कि भय उत्पन्न होता है, और ये हमारे मानसिक विकास में बाधा बनता है, क्योंकि हमें हमेशा ये डर बना रहता है कि वो व्यक्ति जिस पे मैंने विश्वास किया है कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा विश्वास तोड़कर भाग जाए या फिर छोड़ दे हमें, जिसका अक्सर शिकार आज के टाइम में टीनेजर यानी कि हमारे एज के लोग हो रहे हैं, फिर चाहे पैसे के मामले में हो, प्यार के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, हर कोई इसका शिकार जरूर बन रहा है। चौथा है साथियों, खुद की प्रशंसा करना। वैसे तो खुद की प्रशंसा करना बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है, लेकिन यदि हम सिर्फ खुद की ही प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरे के कामों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये एक टाइम पे हमारा आदत बन जाता है और हम एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे हमें अपने खुद के काम के अलावा किसी और का काम दिखता ही नहीं है, यानी कि कोई अगर हमसे अच्छा काम कर भी रहा है तो भी हम उसके काम को नजरअंदाज करके खुद के काम का ही बड़ाई करेंगे, मतलब कि वो आदमी जो हमसे बेटर हो सकता था अब हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और खुद की ही प्रशंसा किए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा एक टाइम पे हमें एक दुखी आत्मा बना देता है। तो ऐसे में हमें ये करना होगा कि हमें खुद के साथ साथ दूसरों के कार्य यानी कि दूसरे के कामों को भी अधिक महत्वपूर्णता देनी होगी और उसकी प्रशंसा करनी होगी। पांचवा है साथियों, मूर्खता। मूर्खता के वैसे कई डिफिनेशन है, लेकिन मूर्ख वे लोग ज्यादातर कहे जाते हैं जो बिना मतलब के बोलना स्टार्ट कर देते हैं या फिर जो हमेशा आगे आगे रहते हैं और यदि कोई उसे पूछ भी नहीं रहा है, उससे कोई सवाल भी नहीं कर रहा है, फिर भी वो बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने अपनी बकवास किया जा रहा है, ऐसे में वो व्यक्ति ज्यादा मूर्ख होता है। तो उस टाइम पे हमें सही जगह पे सही समय पे अपनी बुद्धि का यूज करना चाहिए और जब समय आए तभी बोलना चाहिए, क्योंकि सही टाइम पे सही चीजें होने का मतलब है कि आप बुद्धिमान है, एक मूर्ख व्यक्ति नहीं है। तो ये थे वो पांच विदुर नीति जिसे आप अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।